पंजाब के कई शहरों में किसान हट नाम से व्यापार शुरू किया गया सी, जिस तहत कुछ लोगों ने आम लोगों को कहा कि जे वह भी व्यापार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पैसा जमा करवा सकते हैं तो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि इतने बाजार नालों वधिया ते सस्ता समान मिलता है। बहुते लोगों ने लखां रुपये जमा करवा दिते पर कुछ दिनों बाद उन्होंने पता लग्या कि वह ठगी का शिकार हो गए हैं। कल पुलिस वालों किसान हट के प्रबंधकों को गिरफ़्तार कर लिया गया सी, पर किसान हट नाल जुड़े लोग सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने किसी नाल ठगी नहीं मारी। असीं बैठे हाँ किसान हट 13-13 फाउंडेशन के ऑफिस में बैठे हाँ, जिथे कि अज एक घटना वापरती है जबकि गुरबख्श सिंह धालीवाल जी नूं पंजाब पुलिस फड़ के लै जांदी है। उहदे वास्ते असीं क्लीयर करन वास्ते अज बैठे हाँ, उन्हां नाल गलबात करदे उन्हां दी फाउंडेशन दे आगू ने, उन्हां नूं गलबात कर लैंदे हाँ वी कारण की बणिया इहदा। सर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम रजिंदर सिंह है जी, मैं एज ए डायरैक्टर मार्केटिंग ते ऑपरेशनल किसान हट फाउंडेशन नाल काम कर रहा। सरदार गुरबख्श सिंह जी धालीवाल साढ़े एम डी ने, मेरे बॉस ने, जिहड़े कि साढ़े नाल मैनेजिंग डायरैक्टर दीआं सेवावां निभा रहे ने। अज सवेरे वो रूटीन वांग अपने ऑफिस आउंदे ने, अपनी सीट ते बैठदे ने, अपना कामकार शुरू करदे ने ते अचानक पुलिस आउंदी है, उन्हां नूं अरैसट करदी है। अरैसट करके उन्हां नाल किसान हट 13-13 फाउंडेशन का लैपटॉप प्लस किसान हट फाउंडेशन की जो कलैक्शन है 6-6.5 लाख रुपया, कल शाम नूं जो साढ़े मॉल की कलैक्शन है या जो सानूं पार्टियां दा एडवांस है वो नाल बैग लै जांदे आ, जिहदे बारे सानूं हुण तक नहीं पता कि उन्हां नूं किवें अरैसट किया गया, उन्हां नूं कित्थे लिजाया गया ते किन्ना द्वारा लिजाया गया। उन्हां दा फोन स्विच ऑफ है, सानूं इहदे बारे कोई भी इनफॉर्मेशन नहीं कि वह इस वेले कित्थे ने। उन्हां ते कोई पुराना केस चलदा सी, कोई FIR दर्ज सीगी कि होर कारण आ कोई? वीर जी जो इनफॉर्मेशन मेरे को आई है वो ये है कि सरदार गुरबख्श सिंह जी धालीवाल ते गौरव यादव पार्टनरशिप एक फर्म बनाते हैं, कपैशियस फार्मिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बठिंडे की ये फर्म बनती है। उदे विच गौरव यादव जी एक 3 चैक परसनल नाम दे ते एक चैक कपैशियस कंपनी जिहड़ी फार्मिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है उहदा अपने परसनल यूज़ वास्ते किसी नूं इशू करदे आ। कदों दी तरीक की है, इहनां दी डेट की है? ये मामला है जी करीबन 19/7/2018 का, 2018 का यह मामला है। वह चैक के 138 की चैक बाउंस होंदा, 138 की धारा लगती है, सरदार गुरबख्श सिंह जी नूं समनिंग की जाती है, जिहदे च FIR नंबर 100/63/19/7/2018 का पूरा मसला, जिहदे जज साहब ने ऑर्डर किया कि सरदार गुरबख्श सिंह जी दोषी नहीं ने ते इन्हां नूं समनिंग ना की जाए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ अपनी सारी जीवनी बारे यूट्यूब चैनल दे राही गुस्ताखी माफ दी वीडियो च अपने बारे सारा कुछ दस चुके हैं कि भाई मेरा की पिछोकड़ है, मैं कित्थों चलिया, मैनू की घाटे पए, मैं किन्ना लोकां नाल वरत्या, मैं किन्ना लोकां दे पैसे देने है, मेरा पिछोकड़ की है। मैं रजिंदर सिंह एज ए DGM ज्वाइन करदा, मेरा भी पिछोकड़ है, मेरा भी कोई पास्ट है, हो सकता है मैं अमृतसर शहर का रहने वाला, मैं 10 लोगों के नाल मेरा कार विहार चलता होए, पर ओदा संबंध तुसी किसान हट नाल किदां जोड़ दोगे? सहायता भाजी आ लॉकडाउन के दरम्यान बहुत प्रॉब्लम चल रही सी, राशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत सी, मैं कोई इन्हां नूं परसनली तौर पर जानदी भी नहीं सी, उदा ही मैं बस यूट्यूब पर देखे सी इन्हां दी वीडियो देख के, उहदे च नंबर दिता होया सी भाजी का, तो मैं नंबर लगाया तो इन्हां नाल गल शेयर की, तो इन्होंने कहा कोई गल नहीं भैन जी फिक्र ना करो, असी राशन का हल कर दें तुहाडा। तो 2-3 दिनों के इन्हों का दोबारा मैनू फोन आया कि भैन जी तू जो थानू समान चाहिए वह मैनू दस दौ, तो जो जो जरूरी वाला समान से मतलब वह मैं दसिया, इन्होंने मैनू वो राशन सारा दिता। फिर मैं अपनी गल इन्हों भी दसी सी भी मैं जॉब करती सी, पहला मैं जॉब लैस हो गई, मैं थोड़ा डिप्रैशन च भी रहन लग पी सी कि की बनेगा अगे जाके, तो फिर इन्होंने मैनू यह भी कहा कहिंदे भैन जी असी रुजगार भी दिने, साढ़े तो किसान हट खुलदे आ भी तुसी मेरी वीडियो देखी आ, तुसी दस दौ भी तुसी सुनिया ही हो, उहदे च मैं कहा वा भी खोलांगे इदां दे सेंटर, मैं कहा हाँ जी भाजी मैं सुने सारी गल मैं सुनी आ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਵੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜੋਬ ਵੀ ਦਵਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮੰਮਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ